आप लोग सामने फिर से नया वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि लॉन्ग टाइम से आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा था, तो मैं आप लोग को ये गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो से आप लोग को काफ़ी फायदा होने वाली है। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे हमें कोई लेना देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इसके माध्यम से आप लोग को CIS कांस्टेबल फायरमैन की आपकी कंप्लीट, जो कि आप लोग कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे थे कि वैकेंसी सर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वैकेंसी कितने गुना होने वाली है। एक और कमेंट्स थी कि सर वैकेंसी कितने गुना रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले कि आपकी रिवाइज्ड वैकेंसी किए गए थे, आपके 1150 से आपके 1700 समथिंग आपकी वैकेंसी किए गए थे, ये आपकी एक बार वैकेंसी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट टाइम आपकी वैकेंसी की बढ़ने की बात बता रहा हूँ, तो वैकेंसी बढ़ने की क्या 100% गारंटी है क्या नहीं है, वो सर मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखें कि कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके 1700 वैकेंसी मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। अब समझने के लिए एक डाटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वही हो जाएगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपकी वैकेंसी 1700 वैकेंसी के अगर वो चाहेंगे तो आप कितना आपके वो रिजल्ट देंगे, तो 1700 वैकेंसी का वो रिजल्ट आपको देंगे, उसके मान के चले अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है उसकी अलग प्रोसेस। क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया? क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ ना, उससे सभी लोग को पास कर दिया गया और CSF वाले के पास एक्चुअल डाटा पता नहीं चला कि कितने क्रेडिट्स को रिजल्ट मतलब कराया जाए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बस ये काम CSF किया कि वो रजिस्टर मेंटेनेंस किया, उसके बाद उससे पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक लिस्ट आएगी, वो मेडिकल की लिस्ट होगी, वही आपकी मेन लिस्ट होगी। तो वो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये कैंडिडेट्स को छाटने थोड़ी बहुत किसी को छाट नहीं रहा था, एप्लीकेशन वगैरह दे करके वो मतलब कि उसको स्टे दिया गया था, बाद में आप डॉक्यूमेंट्स फिल करते। लेकिन आपको मेन प्रॉब्लम यही थी कि आपकी रजिस्टर मेंटेनेंस कर रहा था, वो काउंटिंग ले रहा था। ऐसे एक्चुअल उसके पास डाटा थी कि इतने कैंडिडेट्स ने मतलब रिजल्ट आए तो पता थी, लेकिन फिर भी वो काउंटिंग कर रहा था और उसके बेसिस पे और फिर से फाइनल आपकी लिस्ट निकालेगी। तो फॉर एग्जांपल आपकी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस अभी बताऊं तो वैकेंसी बढ़ने के चांसेस अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपको बताता हूँ कि आपके 1750 जो भी 1700 समथिंग वैकेंसी है तो आपके रिजल्ट 2000 या इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 2022 अगर 3000 रिजल्ट अगर आपके दे देते हैं 1700 के बजाय, तो 3000 रिजल्ट तो फिर से आपकी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 1700 वैकेंसी है और उन्होंने रिजल्ट दे दिया आपके 3000 के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी आपके 1300 मेडिकल में छट जाएंगे, वो उसमें से कुछ ही को मेडिकल में छाटेंगे, उसके बाद फिर आपको क्या है वैकेंसी फिर से बढ़ाएगी, रिजल्ट के टाइम पे एक्स्ट्रा को ज्वाइन कराएगी, मेडिकल के टाइम पे कम को छाटेगी और बाकी को ज्वाइन कराएगी। तो मान के चले आपकी वैकेंसी अभी बढ़ने के चांसेस तो मैं नहीं बता सकता हूँ, हो सकती है ऐसा कोई ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन कोई ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है, लेकिन मैं आप लोग को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आपकी वैकेंसी ना बढ़ेगी। लेकिन मैं आप लोग को एक एडवाइस ये देता हूँ कि आपकी जो 1700 के समथिंग आपकी वैकेंसी है उसकी आपको क्या है कि 2000 अगर वैकेंसी अगर नहीं बढ़ी तो 2000 और आपकी इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं देंगे। अगर 2000 आपके रिजल्ट आते हैं तो फिर 1700 के आसपास आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर वो 3000 रिजल्ट देते हैं तो फिर आपकी क्या है मेडिकल में छाटने, बहुत कम कैंडिडेट्स छाटते हैं मेडिकल में, 3000 रिजल्ट देते हैं तो फिर आपके 3000 की भी, क्योंकि कितने लोग को मेडिकल में आउट करेंगे, वैकेंसी फिर बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मेरा एक ही अनुमान एक ही मैं आप लोग को एडवाइस देता हूँ कि वैकेंसी नहीं बढ़े की कोई संभावना नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यही है आपके 1700 है तो आपके 18-19 तक 2000 के रिजल्ट आएंगे और कुछ कैंडिडेट को मेडिकल में छाटेंगे और बाकी कैंडिडेट्स का आपके ज्वाइनिंग होगी। अब लिस्ट कैसे आएगी वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्या है कि आपकी एक लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में आपके नाम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कहाँ आपके मेडिकल वो मेडिकल, वो मेडिकल की लिस्ट आएगी, फिर आपके एक दो दिन में आपके एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो जाएगी। वो लिस्ट जैसे ही आपके पब्लिश हो जाएगी उसमें जिसका जिसका नाम रहेगा उसको मान के चलिए मैं बताता हूँ तो 90% आपका सिलेक्शन हो जाएगी, उससे आपका 90% सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। फॉर आपके लिस्ट मेडिकल लिस्ट में जैसे आपके अगर नाम आ जाती है, इसके बाद मेडिकल लिस्ट ही आएगी, मेडिकल लिस्ट में आपके आपके नाम आ जाते हैं तो उससे आपके 90-95% आपके सिलेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। क्योंकि मेडिकल लिस्ट में नाम आने के बाद क्या है ना, उसके बाद फिर कोई लिस्ट नहीं निकालते, इस बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ इसकी वजह से सभी को पास कर दिया गया, पासिंग पे बुला लिया गया अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के अनुसार, आपके पासिंग पे सभी को मेडिकल के लिए बुला डॉक्यूमेंट्स के लिए बुला लिया गया, तो उस चीज़ को आप ना मेंशन करें, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। तो अपने पास वो क्या किया कि एक डेटा को कलेक्ट कर लिया CSF वाले, एक डेटा को कलेक्ट
कलेक्ट किया, और डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो अभी जो रिजल्ट आएगी वो आपकी मेडिकल की जो रिजल्ट आएगी कि फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल फायर, तो लिस्ट आएगी मेडिकल के लिए, तो मेडिकल के लिए जो लिस्ट आएगी वो आपकी फाइनल लिस्ट होगी। मेडिकल होने के बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होने वाली। उसके बाद फिर मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ एक बात मैं आप लोग को आप बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स का किसी का मेडिकल में कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन है, उस चीज़ को मैं एक बार फिर से मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहता हूँ कि उस चीज़ को कमेंट्स कीजिए। मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो उस चीज़ को आप वहाँ देखें और समझें। फॉर एग्जांपल बहुत से कैंडिडेट्स का ये कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे दांत में प्रॉब्लम है, तो दांत में प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को मैं ये आपके सामने मेंशन करना चाहता हूँ कि जिनका दांत में प्रॉब्लम है तो स्पेशल अगर आप लोग चाहोगे कि पॉइंट्स के ऊपर जो ज़्यादा डेंजरस पॉइंट है उस पर अगर वीडियो बनाऊं तो सब पार्ट्स का अलग अलग वीडियो है, इसलिए मैं मेडिकल से रिलेटेड मैं कंप्लीट वीडियो एक बना चुका हूं आपके कहाँ, तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां से आप दे सकते हैं। अगर चाहो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां तक कोई डाउट नहीं। और बहुत से कैंडिडेट्स ये भी कॉमेंट्स करते हैं कि सर कि मैं कुछ मतलब बहुत हर तरह का कमेंट्स आता है मेडिकल से रिलेटेड, हर किसी का कैरिंग एंगल आ गया, किसी का आपके फ्लैट फुट आ गया, किसी का नौकनी आ गया। अगर आप लोग बोलोगे तो नौकनी का एक्सरसाइज मैं बताऊंगा क्या क्या मेडिकल में कैसे वहाँ आपके बिहेवियर करना है, तो उस चीज़ को मैं वहाँ आप लोग को थोड़ी सी बताऊंगा, तो आप लोग को कुछ हेल्प मिल जाएगी। आप लोग कमेंट्स करोगे तो स्पेशल मैं वीडियो बना लूँ। किसी का कमेंट्स आपको डिस्टेंस विजन का है, डिस्टेंस विजन का किसी का है, डिस्टेंस विजन और नियरेस्ट विजन किसी का कमेंट्स है, तो फिर उस चीज़ को आप लोग दिमाग में न रखें। तो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि डिस्टेंस विजन में परेशान है। डिस्टेंस विजन वाले को क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपकी जो A4 साइज में आपकी क्या है कि निकलवाना होगा पेपर, उसको आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना होगा डिस्टेंस विजन वाले को। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपके हैबिट बन जाएगी। उसके बाद फिर आपको एक और है नियरेस्ट विजन वाला, तो नियरेस्ट विजन वाला में आप लोगों को क्या करना है कि मैक्सिमम आपके मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर आपको इंग्लिश या हिंदी का अखबार आपको अकॉर्डिंग टू मतलब रीड, अब जो भी आपको अच्छा लगता है पढ़ने में उसको आप पढ़िए। और कलर विजन वाले के लिए भाई आप कलर विजन का भी प्रैक्टिस होता है, वो अलग अलग अपना अपना मेडिकल जहाँ उसकी फैसिलिटी वहाँ होता है, यहाँ से आप घर पर कुछ नहीं कर सकते। घर पर आप दो चीज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस विजन और नियर विजन का कवर कर सकते हैं। और बाकी जिनका थोड़ा सा अगर ज़्यादा मैं कमेंट्स अगर देखूंगा कि स्पेशल उनके लिए वीडियो, जैसे आपके कैरियर एंगल हो गया, उस पर नौकरी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, इस चीज़ को अगर आप लोग अगर बोलिएगा तो उसी चीज़ लिए मैं अकेले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।